लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। वासी सेक्टर 6 और उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरा का पूरा रो हाउस 40 साल पहले बना हुआ है। हालांकि प्रोविजनल उसके डेवलपमेंट को लेकर, रीडेवलपमेंट को लेकर या रिपेयरिंग को लेकर अभी तक कोई प्रोविजन नहीं हुआ है। इसके लिए जो लोग भी कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ एक ऐसा रैकेट चल रहा है उनसे पैसा वसूलने का, और आज इसी बात की शिकायत महानगर पालिका आयुक्त से की गई है। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट नीलेश भोजने हैं जिन्होंने ये शिकायत की है। ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से वहाँ के रेजिडेंट को तकलीफ दी जा रही है, हम उन्हीं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर भोजने साहब, क्या शिकायत आज आपने की है महानगर पालिका आयुक्त को और कितना गंभीर विषय है? आयुक्त साहब से इस बारे में बात हुई। सेक्टर 6-7-8 वाशी के जितने रो हाउसेज है, करीबन 1800 रो हाउसेज सिडकों ने बनाए हुए हैं, 40 साल पुराने हैं ये सिडको निर्मित रो हाउसेज है। बारिश की वजह से और खारे पानी की वजह से, ऊपर से भी नीचे से भी, दिन ब दिन इनकी हालात ख़राब होती जा रही है। लोगों को कुछ भी छोटा मोटा काम करना हो तो डर में काम करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही काम शुरू होता है कहीं से टिप लगती है वार्ड ऑफिस में, वार्ड ऑफिस के लोग आते हैं, पूछताछ करते हैं, सामान उठा के लेके जाते हैं, और कहीं तो उनको कुछ मिलना चाहिए, पैसा हो या और भी कुछ उनका डिमांड हो, कॉन्ट्रैक्टर कोई फलाना हो तो आप ये नहीं इसको आप कीजिएगा, नगर सेवक ने बोला कंप्लेंट किया उसके वजह से हम आ रहे हैं, नगर सेवक जाएंगे तो बोलते हैं नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसा ये लुपा छुपी चल रहा है काफ़ी सालों से, गए 10 साल में ज़्यादा बढ़ गया है, पहले ये इतनी अड़चन थी नहीं। आयुक्त साहब को यही बोला गया कि सर जैसे घरों को, सिरकों के घरों को जो प्रोविज़न है कि FSI लेने के समय आपको परमिशन लेनी है सिरकों की म्यूनसिपैलिटी की और बनाना है आपको, वैसे ही यहाँ पे 6 किस्म के रो हाउसेस है, RH1 से लेकर RH6, हर एक का एरिया अलग है, प्लॉट साइज अलग है, वो हिसाब से आप टाउन प्लानिंग में जो आपके एम्पैनल आर्किटेक्ट्स है उनको बुला के उनसे एक प्लान बना के लीजिए हर रो हाउस के लिए, अप्रूव कराए UD से, और ताकि लोगों को अपनी ज़रूरत कितनी है वो हिसाब से अपना जितनी ज़रूरत है उतना ही बना पाएंगे, लीगल होगा, पैसे कम लगेंगे, आजू बाजू को तकलीफ भी नहीं होगी, विदाउट एनक्रोचिंग पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेस अपना खुद के जगह में घर बना पाएंगे। आज तो ऐसा हो रहा है कि जो हमारे पहचान के लोग हैं सेक्टर 6 में अभी आए थे, अंकल जी नेवल ऑफिसर है, एंक्रोचमेंट के लोग 10 से 12 घुस गए उनके पास, जैसे कि उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, पब्लिक स्पेस पे दर्जे पूर्ति घर हम बोलते हैं उतना ही काम किया जा रहा है, इतना इलीगल बांधकाम यहाँ वहाँ हो रहा है, ये तो अपने खुद के जगह में काम कर रहे हैं, उसको भी दिखाया जा रहा है कि ये एंक्रोच वगैरह कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है, दिस नॉट अ राइट वे। तो हैरेसमेंट इमीडिएटली स्टॉप की जाए लोगों की, ये एक बड़ी डिमांड थी जो आयुक्त साहब ने मंजूर की गई। आपने उसमें जिक्र किया है कि कोई रैकेट चल रहा है जिसमें अधिकारी शामिल हैं, जिसमें लोकल जो नगर सेवक हैं वो शामिल हो सकते हैं, या दूसरे और भी जो लोग हैं जो एक तरह से दलाल हैं और वो एक रैकेट बना के इस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन आपका इसमें? ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जहाँ जहाँ कामकाज हो रहा है बंगलो प्लॉट्स का, रो हाउसेस का, वहाँ पे कोई ना कोई तरीके से वार्ड ऑफिस तक ये इन्फॉर्मेशन जाती है, उनके पास से वो खुद बोलते हैं कि हमको नगर सेवक ने भेजा है, नगर सेवक की कंप्लेंट है इसलिए ये काम हो रहा है, और उसके कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद काम बराबर से हो जाता है, क्योंकि नगर सेवक द्वारा या उनके जो लोग हैं नगर सेवक के उनके द्वारा वार्ड ऑफिस तक सब कुछ जो पहुंचना है पहुंच जाता है और बराबर से काम स्मूथली होता है। ये ऑब्जर्वेशन 10 साल से किया जा रहा है, वाशी में काफ़ी जगहों पर चल रहा है ये रैकेट। अभी आपको क्या लग रहा है कि उसमें क्या प्रोविजनल बदलाव होना चाहिए जिससे लोगों को फालतू पैसा या उनको हरेसमेंट ना होने पाए? टाउन प्लानिंग में प्रॉपर अप्रूवल्स के लिए जाए, जो भी कुछ अड़चने हैं टाउन प्लानिंग वाले एम्पैनल आर्किटेक्ट्स को लेके बैठ के वो प्रोविज़न बनाएं, UD से अप्रूव करें, और लोगों तक ये मालूम पड़े कि भाई ये भी पॉसिबल है, ये करके हम अपना काम कर पाएंगे, ये हम चाहते हैं लीगल तरीके से। अंशुवर्धन जी हमारे साथ हैं, आपको क्या ऑब्जर्वेशन आया है कि ये एक बड़ा रैकेट चल रहा है और जो लोगों से पैसा वसूलने का काम कर रहा है, एक्सट्रॉर्शन चल रहा है, और वो महानगर पालिका के अधिकारी उसमें बड़े पैमाने पर शामिल? देखिए 1800 रो हाउसेस है और काफ़ी साल अभी पूरे हो चुके हैं, अभी यहाँ पे रहते कौन है? BRC के रिटायर्ड ऑफिसर, जो काफ़ी सारे लोग पेंशनर है, तो सब लोग तो पूरे तोड़ के बिल्डिंग बना नहीं सकते, तो अपना सामने का और ऊपर का आगे पीछे का जो दीवार है उससे जो लीकेज होता है उससे बचाने के लिए लोग छत पे छत और थोड़ा आगे जो स्पेस है वहाँ पे छपड़ा लगाते, लेकिन जैसे घर के सामने ईंट और सीमेंट दिखा वैसे पता नहीं कहाँ से महानगर पालिका वालों को पता चल जाता है और वो लोग आ जाते हैं, नोटिस बजाते हैं और जो काम चल रहा है तो पूरा सामान वगैरह लेके चले जाते हैं। अभी एक
10 जन आके गए, अतिक्रमण वाले 10 जन नेवल ऑफिसर के घर पे, जैसे कि कोई कार्रवाई कर रहे बड़े रेड मारे जैसा उन पे कार्रवाई किया, लेके गए, वो परेशान हो गए। ये एक उदाहरण है। ऐसे हमें आज तक कम से कम 100-150 लोगों ने शिकायत की है, बंगलों वाले ने शिकायत की है कि कहीं ना कहीं से पालिका वाले आ जाते और उसमें तोड़पानी या मांडवली या दलाली या जो कोई जो भी वर्ड है फिट बैठता है वो करने के लिए जो लोकल आजी माजी लोग के लोग आते हैं या जो भी माध्यम से आ जाते, और जब तक इनको प्रसाद ना चढ़ाया जाए या भोग ना चढ़ाया जाए तब तक वो काम रुका जाता है और काम आगे नहीं बढ़ता है, और नोटिस पे नोटिस आते जाते हैं। लोग इससे डरे हुए हैं। अब कुछ लोगों को अभी ये देखिए चुनाव आ रहा है तो लोगों को या तो वोट चाहिए या तो नोट चाहिए। अभी चुनावी चंदा जमा करने के लिए जो लोग अभी बारिश से पहले काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये सब चल रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि हमारे वार्ड में ही एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं, सब पूरे शहर जानता है उनको, संदीप ठाकुर साहब। आप बिलीव नहीं करेंगे, संदीप ठाकुर साहब का नाम लेके लोगों को डराया जा रहा है कि संदीप ठाकुर साहब ने कंप्लेंट किया है आपका घर। अरे उनको वो बड़े ये सब चीज़ में उनको ये बात उन तक पता भी नहीं होगा कि उनका नाम का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग अभी जाके उनसे मिलने वाले हैं, उनको ये चीज़ बताने वाले कि सर आपका नाम लेके ऐसा ऐसा काम हो रहा है, कि ये बात सही है या गलत है आप बताइए। देखिए ऐसा डरा धमका कि पहले वो जाएंगे, पहले तुम जख्म भी दोगे, फिर तुम मलम भी लगाओगे, तुमको नोट भी चाहिए, तुमको वोट भी चाहिए, ये धंधा कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। और यही चीज़ हमने आज आदरणीय लोकनेता गणेश नाइक साहब के माध्यम से बांगड़ साहब को बोला। देखिए 10 साल आज से 2010-11 के टाइम पे भी पूरे रो हाउसेस को नोटिस गए थे पालिका की तरफ से कि हम तोड़ेंगे, क्योंकि पीछे का जो कॉमन एरिया है जहाँ पे पाइपलाइन जाता है उसके लिए नोटिस दिया था। उस वक्त भी नाइक साहब के माध्यम से ही ये सब इशू का निपटारा हुआ था। और अभी फिर से, क्योंकि ये देखिए 1800 लोग, किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ता है, और ऐसा एक घर नहीं जिसको ये, अगर देखने गए तो ये भी C1 कैटेगरी में आता है, ये तो 40-45 साल पुराना है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते, करके इनको थोड़ा बहुत तो काम करेंगे ना। अभी 2-5 लाख रुपया खर्चा करके लोग अपना घर को थोड़ा और 10 साल टिक जाए ऐसा कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है। और बांगड़ साहब ने बहुत सकारात्मक हम लोगों को रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने तुरंत कहा है कि कोई भी अगर ऐसा काम कर रहा है उसमें बाधा नहीं डाला जाएगा और जो जो सामान वगैरह जो लिया गया है वो उनको लौटा दिया जाएगा, ये उनका कहना है। एक एडवोकेट नीलेश भोजने जी, एक आपने बहुत सीरियस आप दोनों कंसर्न जो उठा रहे हैं कि लोकल कॉरपोरेटर जो लोक प्रतिनिधि हैं उनका नाम लिया जा रहा है, और जो सीनियर RTI एक्टिविस्ट हैं और लीगल एक्सपर्ट हैं संदीप ठाकुर जी, उनका नाम लिया जा रहा है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेन आप लोग दर्ज कराने वाले हैं क्या, जैसा आपने खुद आरोप लगाया? जैसा आपको मैंने बोला कि होना ये चाहिए कि जो लोक प्रतिनिधि है वो आके अगर कोई मसला है तो उसको पूछे समझे, वो तो आए नहीं यहाँ पूछने के लिए कि भाई क्या हो रहा है घर में आपके। तो केवल राजकारण ऐसा है कि वार्ड का गणित बदल गया है, वार्ड की रचना बदल गई है, वो हिसाब से ही करना है राजकारण, बाकी लोगों की क्या समस्या है क्या दुविधा है वो समझनी नहीं है। तो इसका मतलब धुआं उठता है, कहीं ना कहीं आग लगी है। जब वार्ड ऑफिस से ये कहा जा रहा है कि कोई आके ये काम कर रहा है, अभी सच क्या है झूठ क्या है वो तो उनको ही पता है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई लोगों को तकलीफ़ ना हो, थोड़े बहुत ये लीगैलिटीज़ चेंज करके सही तरीके से काम होना चाहिए म्यूनसिपैलिटी के द्वारा, हैरेसमेंट ना हो और लोग खुशी से सुखी से आजू बाजू वाले रहे, ना कि झगड़ा करके रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कि सुना आपने कि जो वासी का रो हाउस इलाका है, जो सेक्टर 6-7-8 का जो इलाका है, वहाँ पर क्लियरली जो आज शिकायत की गई उसमें दर्ज किया गया है कि जो लोकल कॉरपोरेटर हैं और जो कुछ ऐसे उनके लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को डरा धमका कर और शिकायत कर महानगर पालिका अधिकारियों को साथ लेकर कहीं ना कहीं ठगी का और बहुत बड़ा एक्सट्रॉर्शन का काम कर रहे हैं, और जिसके रोकने की आज मांग की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि महानगर पालिका ने जिस तरह से आयुक्त ने भरोसा दिलाया है और इस पर गंभीर कार्रवाई जरूर होगी। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।